गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपजीत दत्ता है। मैं ऑलरेडी एक ट्रेनर हूँ, मेरे एक वर्कशॉप है मनी मास्टरी, ऑल्सो मैं एक वेल्थ कोच हूँ और मैं दादरा नगर हवेली सिलवासा से आ रहा हूँ, बिलोंग करता हूँ। मेरा ऐसे तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ में ऑलरेडी चल चुका हूँ और मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम ऑलरेडी अचीव कर ली है। तो दोस्तों, जब मैं यहाँ पे हूँ ऑलरेडी मेरे लिए मेरा पैसा काम कर रहा है, तो अचीवमेंट तो मैंने लाइफ में की है, लेकिन मैं चाहता था ये अचीवमेंट मैं लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाऊँ। पर दिक्कत ये थी दोस्तों कि कहीं ना कहीं कुछ पीसेस मिसिंग थे। जैसे मैं ट्रेनिंग लेता हूँ और अभी भी जब मैं सर को अटेंड करने आया था, मेरे ऑलरेडी सेमिनार्स वर्कशॉप चालू थे, पर कहीं ना कहीं मैं उन डॉट्स को जोड़ नहीं पा रहा था। कहीं मुझे लग रहा था कोई ना कोई मिसिंग पीसेस है ऐसे जो मुझे अभी भी प्राप्त करने हैं, शायद मैं वो लैक कर रहा हूँ। और ये लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये आ रहा था कि मैं ये पीसेस को जोड़ नहीं पा रहा था। तो मैंने काफ़ी प्रोग्राम किया हुआ है ट्रेन द ट्रेनर, ये मेरा फर्स्ट ट्रेन द ट्रेनर नहीं है, मैंने इससे पहले भी ट्रेन द ट्रेनर किया हुआ है प्रोग्राम। तो मुझे कहीं ना कहीं मैंने सर को पहली बार परीक्षित सर को यूट्यूब में देखा मैंने, और देखा तो मुझे ऐसा लगा कि सर जो बोल रहे हैं और मैं जो सोचता हूँ कहीं ना कहीं हम वही वेवलेंथ में है सेम। मुझे सर के साथ मैंने कनेक्ट किया पहली बार, लेकिन मुझे लगा सर का ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम वापस करना चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा था। डाउट्स थे काफ़ी मन में, और वो डाउट्स इसके लिए थे, पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में मेरे साथ हुए हैं जिसके लिए मुझे ये डाउट्स आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि डिसीजन तो लेना ही है, और मैंने सोचा जब मेरे साथ मेरे वेवलेंथ के साथ कुछ थॉट्स मिल रही है तो लेट मी ट्राई इट आउट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, अच्छा प्रोग्राम नहीं लगेगा और एक सेम एक्सपीरियंस रिपीट होगा, यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेट मी टेक अ चांस, और मैंने डिसीजन लिया कि मुझे परीक्षित सर का ये करना है। और फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैं यहाँ पे आया था फर्स्ट डे, आज ट्रेन द ट्रेनर हमारा लास्ट डे है, ख़त्म हो रहा है, और फर्स्ट डे मैं आया था तो कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ मिल सकता है, और आज जब फिनिश हो रहा है तो बिलीव नहीं हो रहा है इतना कुछ मिला है। तो जब वो थॉट प्रोसेस था कि कोई इतना दे सकता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है बोलने के लिए बोलते हैं सारी बातें ठीक है, लेकिन इतना मिला है आज बिलीव नहीं हो रहा है, पहले सोचा नहीं था आज बिलीव नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मनी मास्टरी में भी एक प्रिंसिपल और ये लॉ है एक्चुअली, इसको हम द लॉ ऑफ गिविंग बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें होता ये है कि द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। तो मैंने देखा सर भी एग्जैक्टली सेम स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं, जितना सर हम लोगों को दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे, मतलब फर्स्ट दिन सेकेंड दिन ऐसा लगा इतना दे दिया, अब आगे और क्या होगा, अब कुछ हो ही नहीं सकता इससे आगे, मतलब हो ही नहीं सकता। और ये जो दे दिया वो इससे यही करेंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी ट्रेनर ट्रेनर में जो हम ट्रेनर बनना चाहते हैं, जो हमारा गोल है, विजन है, मिशन है, वो कामयाब हो जाएगा। फिर थर्ड डे आया, फिर और मिला, फिर फोर्थ डे और कुछ और मिला, आज सेवन डेज के बाद ऐसा लग रहा है, मतलब हर दिन ऐसा लगता था सर एक पंडोरा बॉक्स खोलेंगे और एक नया चीज़ आज निकलेगा हमारे लिए, ऐसा ही लगता था सर जब सामने आते थे तो ऐसा लगता था कि आज कुछ नया पंडोरा बॉक्स से खुलने वाला है। तो एक्चुअली इस एक्सपीरियंस के बारे में जितना मैं कहूँ शब्दों में बयान करूँ वो काफ़ी नहीं है दोस्तों। अगर आपको सही में जानना है परीक्षित सर के बारे में, एक क्वालिटी तो मैंने बता दिया सर का बेस्ट क्वालिटी इज़ गिविंग। तो अगर आपको रियल में एक्सपीरियंस करना है सर का क्वालिटी, तो मैं आप चाहता हूँ आप खुद सर्च करिए सर को, यूट्यूब में ढूंढिए, सर के वीडियोस देखिए और फिर अपना डिसीजन बनाइए, अपना डिसीजन लीजिए। और अगर आप ट्रेनिंग फील्ड में सही में अपना करियर बनाना चाहते हो तो एक बार, वैसे बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं और मैंने भी किए हैं, लेकिन मैं आपको एक सच्ची सलाह देना चाहता हूँ आज की, गाइडेंस एडवाइस देना चाहता हूँ, सलाह नहीं, कि आप एक बार ज़रूर ये ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम अटेंड करके देखिएगा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ दीपजीत दत्ता।